इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे क्रस्टेशियंस के डिफरेंट एनिमल्स में क्रेफिश और बाकी जितने भी क्रस्टेशियंस हैं एक्सेप्ट द बारेकल्स ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं डायोशियस हैं डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल एनिमल्स जो हैं दे आर सेपरेट और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम गोनेड्स कहेंगे गोनेड्स जो हैं दे आर लोकेटेड डॉर्सल टू द पोजिशन ऑफ थॉरिक्स और इसमें जो डक्ट इन गोनेड्स से लाइक टेस्टिस हैं ओवरीज हैं यहाँ से स्पर्म्स और एग की प्रोडक्शन को जो डक्ट्स कैरी करेंगी उनको हम कहेंगे गोनोडक्ट्स ये गोनोडक्ट्स जो हैं ये नॉर्मली ओपन करती हैं एट द बेस ऑफ थर्ड and of uh, peripods or male may they are usually opening at the base of fifth peripods or perismay mating jo hai, that will take place uh, just after the female has completed its process of molting male jo hai they will turn into female on her back and then the process of uh, copulation will take place next is fertilization फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस वंस द एग्स दे आर शेड ऑफ फ्राम द बॉडी ऑफ द फीमेल एग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दे आर स्टिकी एंड आर इन कंबिनेशन विद एन अदर ग्रुप की स्ट्रक्चर में क्लस्टर की शक्ल में एग्ज हैं और नॉर्मली इसमें फीमेल प्लीओपोर्ड्स जो है दैट हेल्प्स इन दिक्रिएशन ऑफ एग्स फिर इसमें प्लियो पोर्ड जो है उसकी फेनिंग मूवमेंट्स जो है दैट नॉर्मली कीप्स द एग्स एरिएटेड और डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस आएगा डेवलपमेंट के प्रोसेस में एम्ब्रे बनेगा और एम्ब्रियो जो है उसके बाद हेचिंग का प्रोसेस होगा एंड देन यंग वन इज़ डेवलप्ड यंग वन इज़ डेवलप्ड एज एन एडल्ट मीनिएचर फिर बाकी क्रस्टेशन जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वे होंगे और ये लार्वे जो हैं दे आर प्लैंक्टोनिक फ्री स्विमिंग इन लार्वे को हम कहेंगे नोपलियस लार्वा कुछ क्रस्टेशन में नोपलियस लार्वा जो है दिस डिवेलप इन टू अडल्ट डायरेक्टली क्रैब्स और उसके रिलेटिव के अंदर डायरेक्ट डिवेलपमेंट नहीं होगी बल्कि नोपलियस लारवा जो है दिस डिवेलप इंटू अनदर लार्वल विच इज नोन एज जोया लार्वा फिर जितने भी ऑल अडल्ट फीचर्स आर प्रेजेंट लार्वे के अंदर एक्सेप्ट दैट लारवा इज नॉट सेक्शुअली मेच्योर तो इसको हम कहेंगे पोस्ट लार्वा दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पैटर्न इन केस ऑफ क्रस्टेशज एन एग्जाम्पल दिस इज द एग एग के बाद स्पम्स मेटिंग होगी फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर एम्बरियो बनेगा एम्ब्रियो विल डिवेलप इन टू अ लार्वा विच इज नोन एज नोपलियस लारवा नोपलियस लारवा इज़ फ्री स्विमिंग प्लेंटोनिक लार्वा दिस लार्वा विल डवेल्प इन टू अनदर लार्वल स्टेज विच इज नोन एज प्रोटोजोया लार्वा इट इज आल्सो फ्री स्विमिंग दैन इट डिवेलप्स इंटू अनदर लारवा विच इज नोन एज माइसिस माइसिस डिवेल्प इंटू पोस्ट लारवल स्टेज एंड पोस्ट लार्वल स्टेज डिवेलप इन टू अडल्ट तो जैसा कि हमने कहा था कि कुछ क्रस्टेशन ऐसे होंगे जिसके अंदर डायरेक्ट नोप्रियस से अडल्ट बन जाएंगे लेकिन कुछ के अंदर मुख्तलिफ लार्वल स्टेजेस आएंगे अब इसके अंदर प्रोटोजोआ माइसिस पोस्ट लार्वल स्टेजेस, गोया, इसके अंदर थ्री डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आएंगी देन अडल्ट फॉर्मेशन विल टेस्प्लेस सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन सब फाइलम क्रस्टेशिया